ईरान की राजधानी तेहरान से 120 किलोमीटर दूर कोम शहर की जामकरन मस्जिद पर लगाया गया ये सुर्ख लाल परचम प्रतीक है खून का बदला लिए जाने का। जी हाँ, एक बार फिर मस्जिद के गुंबद पर ये लाल झंडा लगा दिया गया है। इसके सीधे मायने हैं कि ईरान तैयार है भयानक इंतकाम लेने के लिए और ये तय है कि इंतकाम लिया जाएगा। दरअसल इसराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिये को मौत के घाट उतार दिया है। इससे ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने बुधवार को इस्माइल हानिये की मौत का बदला इसराइल से लेने का ऐलान कर दिया है। खामनेई ने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में तड़के हुए हवाई हमले में इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद इसराइल ने अपने लिए कठोर सजा खुद तैयार कर ली है। उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा, उसका बदला लेना हमारा फर्ज है। हानिये हमारी सरजमी पर हमारे मेहमान थे। इस्माइल हानिये नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को ईरान की राजधानी तेहरान में थे। 30-31 जुलाई की दरमियानी रात इसराइली स्ट्राइक में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये इल्ज़ाम है ईरान का। हालांकि हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ की तेहरान में मौत पर इसराइल खामोश है। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान ने कहा कि इसराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तेहरान से 120 किलोमीटर दूर शहर कोम की जामकरन मस्जिद के मुख्य गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। माना जा रहा है कि लाल झंडा फहराकर ईरान ने इसराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये लाल झंडा बदला लेने का प्रतीक है। ईरान ने इससे पहले 3 जनवरी 2020 को और 5 जनवरी 2024 को इसी मस्जिद पर लाल झंडा फहराया था। 2020 में इस गुंबद पर जब लाल झंडा फहराया गया था तो पूरी दुनिया सहम गई थी। ये वो वक्त था जब ईरान के टॉप कमांडर जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया था। इस साल 5 जनवरी को भी कारमान में बम हमले के बाद इसी तरह का झंडा लगाया गया था। अब हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या हुई है, उस वक्त वो ईरान के मेहमान थे। ईरान इसे अपने घर आए मेहमान की हत्या के रूप में अपनी बेइज्जती के तौर पर देख रहा है। आपको बता दें कि ईरान की कोम मस्जिद में खास तौर पर माह मुहर्रम पर लाल परचम फहराया जाता है, जिसमें लिखा होता है या ला थारत अल हुसैन, जिसके मायने हैं ए हुसैन का बदला लेने वालों। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी पासदारान इस्लाम इसका बदला जरूर लेंगे, ये तो तय है, लेकिन कब और कैसे, ये बेहद अहम सवाल है।